क्लास में हूँ आपका टीचर सैयद पर। हम पढ़ने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 3। जी हाँ, मूव करने लगे हैं एक्सरसाइज पे। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वाइट सिंपल और ईजी है। हमें एक गिवन दैट में एक स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि ये कहना ठीक होगा कि एक फंक्शन दिया गया है जिसमें डोमेन हम इंसर्ट करेंगे और रेंज हमारी निकलती आएगी। यानी डोमेन वाला पोर्शन हमें गिवन है कि ए पार्ट एक दिया गया है और इस ए पार्ट के लिए हमें ये 4 डोमेन्स एंटर करके रेंज निकालनी है। ठीक है, जब करेंगे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्वाइट सिंपल है ये। फिर एक पार्ट बी दिया गया है, इस पार्ट बी में भी हमें 4 डोमेन्स इंसर्ट करनी है और उनसे 4 रेंजेस निकल आएंगे। सो इट्स क्वाइट सिंपल, सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग करवाता हूँ। ये पार्ट नंबर 4 मैंने क्यों बोला, हमारे पास ना 2 फंक्शंस हैं, फंक्शन नंबर ए फंक्शन नंबर बी। यानी ये ए है, ये एक फंक्शन है, ये बी फंक्शन है। उन्होंने कहा क्या है, फंक्शन ए को पहले आप डोमेन एफ इंटू माइनस 2 लो, फिर फंक्शन के लिए डोमेन लो एफ ऑफ 0, फिर फंक्शन के लिए डोमेन लो एफ ऑफ एक्स माइनस 1, फिर फंक्शन के लिए डोमेन लो एक्स स्क्वायर प्लस 4। यानी कि करना किस तरीके से है कि इस फंक्शन को टेक करना, इस फंक्शन में एक्स की जगह पहले माइनस 2 पुट करना, फिर एफ यानी इसी फंक्शन के लिए एक्स की जगह फिर 0 पुट करना, फिर इसी फंक्शन में ये जो हमें गिवन है इसमें एफ ऑफ यानी एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 पुट करना, और फिर वैसे ही इसी फंक्शन में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है। तो मैं अब सबसे टफ वाला जो 4 वाला है, टफ तो नहीं कहना चाहिए पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ सॉल्व करता हूँ। मैं एक्चुअली पहले भार इसलिए रहा था व्हाइट बोर्ड के, टाइम बच जाता है और आप जल्दी से समझ लेते हो, अगर साथ साथ करवाऊँ तो टाइम बहुत लगता है। तो पार्ट 4 साथ साथ करते हैं, बाकी मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। तो शुरू करते हैं। सिंपली करना क्या है, आपने पहले अपना फंक्शन लिखना है जो ए में क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपने लिख लिया। दिस इज क्वाइट सिंपल। नाउ अब आपने स्टेप क्या करना है, आपने लिखना है रिप्लेसिंग। ओके, किसको रिप्लेस करना है, याद रखिएगा कि ये आपका फंक्शन है तो आपने हमेशा इस चीज को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो रिप्लेसिंग एक्स विद किसके साथ रिप्लेस करने लगे, जो उसने हमें डोमेन कही है, जो कि डोमेन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम रिप्लेस करेंगे एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो सिंपली दोबारा फंक्शन लिखिए, एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर भी एक्स की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और एक्स की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई होप यू गेट इट बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी कि हमें एक्स की जगह पे जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 सिंपली। या तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4। तो अब क्या होगा कि प्लस 4 और माइनस 4 कट आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा 0। दैट्स इट, आई होप ये क्लियर है आपको, ये हमारा सॉल्व हो गया। ए के लिए फंक्शन ए जो हमें गिवन है इसके लिए ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब यही वाला पार्ट हमने करना है किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, तो करके देखते हैं। हमारा बी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 4। ओके, ये हमें गिवन है, हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। नाउ हम कहेंगे रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करना है, हमने एक्स को रिप्लेस करना है किससे, जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो कर लेते हैं, हमने दोबारा फंक्शन लिखना है, एक्स की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर भी एक्स की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो एक्स है इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे क्या लिखा है प्लस 4, वो एज इट इज आ जाएगा। फिर दोबारा से फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट ओपन हो गई तो ये हो गया प्लस 4। ये 4 थोड़ा अजीब सा है ना, या ऑलराइट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 और 4 क्या हो गए 8। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी। बताना ये चाह रहा हूँ कि हम वन बाई वन अगर डिस्कस करें तो क्या होगा कि हमें पहले फंक्शन ए, अगर मैं फंक्शन ए की बात करूँ तो ए के लिए पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, फोर्थ आंसर ये चारों आंसर आ गए, चारों फंक्शन को लेकर, एक फंक्शन को लेकर चारों इक्वेशन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, कंडीशंस कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह बी को लेकर ये नीचे वाले चारों आंसर आ गए। तो मैं वन बाई वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली हमने फंक्शन को लिखा ए को और लिख दिया रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस 2, क्योंकि हमें माइनस 2 कहा गया, तो जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया माइनस 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ गया माइनस 2, और सिंपली ऑपरेट कर लिया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 आया, 4 और 2 क्या हो गया 6। दैट्स इट, खत्म हो गया। फिर फंक्शन ए के लिए पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ 0, जी फंक्शन को दोबारा से लिखा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देना, जी 0 पुट कर देना,
इट्स क्वाइट सिंपल, तो बस जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो जीरो ही आएगा। पार्ट नंबर थ्री, मैं स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। अच्छा, ये लाइन मैं हर दफ़ा क्यों लिखता हूँ, सभी में लिखी होगी, बोर्ड थोड़ा गंदा सा हो रहा है बट इट्स ओके, डर्टी डर्टी, समझना ज़रूरी है कि आप याद रखिएगा इस लाइन की वजह से आपको नंबर मिलेंगे, तो ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। समटाइम्स स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने देखा एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालना है, ओके एक्स की जगह लगा दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, मैं एग्री करता हूँ ऐसे ही करना है, लेकिन ये लाइन लिखना बेहतर है मार्क्स गेन करने के लिए। कभी कभी प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है, या जब मेहमान आए हों तो खाना भी सर्व करते हुए काफ़ी सजा के पेश किया जाता है, तो पेपर थोड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है, बिल्कुल वैसे ही मेहमानों की तरह। ओके, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जगह x माइनस वन का स्केयर माइनस, और x की जगह x माइनस वन, ये फॉर्मूला बन गया ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, यानी टू एक्स, टू एक्स बन रहा टू एक्स, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। अब क्या हुआ, एक्स स्केयर प्लस वन और प्लस वन प्लस टू माइनस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन, दैट्स इट। और ये तो मैंने अभी अभी समझा ही दिया कि जीरो आ जाएगा। ओके, अब फंक्शन बी को टेक करते हैं और ये चार की चार कंडीशन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस टू, तो एक्स की जगह पे हमने सिंपली क्या लगा देना है माइनस टू, एक्स की जगह पे क्या लगा दिया माइनस टू, तो ये माइनस टू आगे है प्लस फोर प्लस फोर, ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस टू प्लस फोर, तो बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, फोर में से टू गए तो टू, दैट्स इट। या इसी तरह आगे चलते हैं, फिर से फंक्शन को लिखा, अब हमें क्या गिवन है जीरो, तो एफ की एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो प्लस फोर स्क्वायर रूट फोर, स्क्वायर रूट फोर इज इक्वल टू टू, दैट्स इट, इट्स ईजी ना, या आई नो। ओके, थर्ड पार्ट, फंक्शन हमें टेक करना है जो कि गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर, हमें रिप्लेस करना है एक्स माइनस वन से एक्स को, तो रिप्लेसिंग एक्स विद एक्स माइनस वन, एक्स की जगह पे हमें पुट कर देना एक्स माइनस वन, एक्स की जगह एक्स माइनस वन, तो लगा दिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए माइनस वन प्लस फोर, फोर में से वन गए तो थ्री, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, दैट्स इट। क्योंकि ये तो हम पहले समझ चुके हैं, एंड आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया हमने किया क्या है, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर से, यहाँ पे भी एक्स की जगह से लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर से, तो बस ये सॉल्व कर लिया, इधर भी ऐसे ही x की जगह x स्क्वायर प्लस 4, x की जगह x स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व किया तो आंसर आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प ठीक से की और आपको प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा, इन्हें प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है ताकि ये मुंजमिन पक्के हो जाएं, एब्सोल्यूट हो जाएं पत्थर की तरह चट्टान की तरह, क्योंकि स्टूडेंट एक दफा देखे कहते हैं ये तो आ गया, कंफ्यूजन में ना डाल जाइएगा, एक दो दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद कामयाब करें, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।